in the given figure, O is the center of the circle. Prove that two times of angle APC is equal to angle AOC plus angle BOD. हामीले के भनेको छ भने यस फिगरमा O सेन्टर अफ द सर्कल हो. हामीले के प्रुफ गर्नु पर्ने छ भने 2 टाइम्स अफ एंगल APC इज इक्वल टु सम अफ एंगल AOC एन्ड एंगल BOD. त्यसो भए हामी गिवनमा के लेख्न सक्छौ? O इज द सेन्टर अफ द सर्कल. टु प्रुफमा हामी लेख्न सक्छौ 2 टाइम्स अफ एंगल APC इज इक्वल टु एंगल AOC प्लस एंगल BOD. अब जाउँ हामी स्टेटमेन्ट र रिजन को पार्टमा. हामी कन्सिडर गरौँ पहिला आर्क AC. आर्क AC मा रहेको सेन्ट्रल एंगल कुन हो त? एंगल AOC. ओके, र सेम आर्क AC ले सबटेन्ड गरेको वन अफ द इन्स्क्राइब्ड एंगल कुन हो त? एंगल ADC. फेरि हेरौँ है त, एंगल ADC को अपोजिट आर्क इज आर्क AC र एंगल AOC को करस्पोन्डिङ आर्क इज आर्क AC. अब सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल एउटै आर्कमा छन् भने वी क्यान राइट सेन्ट्रल एंगल इज 2 टाइम्स द इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क. अथवा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क. राइट, सो वी क्यान से एंगल ADC इज इक्वल टु हाफ अफ एंगल AOC. हैन, रिजन हामी के लेख्न सक्छौँ? सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस द इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क. अब एंगल ADC लाई हामी एंगल PDC पनि लेख्न सक्छौँ. वाइ? बिकज बोथ अफ दिज एंगल्स एंगल ADC एंड एंगल PDC रिप्रेजेन्ट द सेम एंगल. राइट, सो फर्स्ट स्टेटमेन्टमा एंगल ADC लाई रिप्लेस गरेर हामी एंगल PDC लेख्न सक्छौँ. सो वी क्यान राइट एंगल PDC इज इक्वल टु हाफ टाइम्स अफ एंगल AOC. रिजन हामी के लेख्न सक्छौँ? एंगल ADC इज इक्वल टु एंगल PDC. अब सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगलको फेरि सेम रिलेसन युज गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ भने एंगल BCD इज इक्वल टु हाफ टाइम्स अफ एंगल BOD. हाउ? हेरौँ है त, यदि हामीले आर्क BD कन्सिडर गर्यौँ भने एंगल BCD इज द इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन आर्क BD र एंगल BOD इज द सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन आर्क BD. राइट, सो हामी थर्ड स्टेटमेन्ट यसरी लेख्न सक्छौँ. रिजन हामी के लेख्न सक्छौँ? सेन्ट्रल एंगल इज ट्वाइस द इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क. एंगल BCD लाई हामी एंगल PCD पनि लेख्न सक्छौँ. बिकज एंगल BCD र एंगल PCD ले एउटै एंगल रिप्रेजेन्ट गरेको छ. सो थर्ड स्टेटमेन्टमा रहेको एंगल BCD लाई हामी एंगल PCD ले सब्स्टिट्युट गरेर के लेख्न सक्छौँ भने एंगल PCD इज इक्वल टु हाफ टाइम्स अफ एंगल BOD. रिजन बिङ एंगल BCD इज इक्वल टु एंगल PCD. यति गरिसकेपछि अब हामी कन्सिडर गरौँ ट्राइङ्गल CDP. हामी कन्सिडर गर्दैछौँ ट्राइङ्गल CDP. ट्राइङ्गल CDP को DP साइडलाई एक्सटेन्ड गरेर हामीले एसम्म लग्यौँ भने हामी के भन्न सक्छौँ? एंगल APC जुन एंगल बन्छ द्याट इज द एक्सटेरियर एंगल फर्म्ड बाई द ट्राइङ्गल CDP. होइन, एंगल APC इज द एक्सटेरियर एंगल अफ द ट्राइङ्गल PCD जब हामीले साइड DPलाई एक्सटेन्ड गरेर A पोइन्टसम्म लग्यौँ. राइट, सो वी क्यान राइट एंगल APC इज इक्वल टु एंगल PDC प्लस एंगल PCD. वाइ? बिकज एक्सटेरियर एंगल अफ अ ट्राइङ्गल इज इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर एंगल. होइन, अब यदि हामीले सेकेन्ड स्टेटमेन्ट र फोर्थ स्टेटमेन्टबाट एंगल PDC र
एंगल पीसीडी को वैल्यू फिफ्थ स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट गर्यौं भने हामी के पाउँछौं एंगल एपीसी इज इक्वल टू हाफ अफ एंगल एओसी प्लस हाफ अफ एंगल बीओडी रिजन हामी के लेख्न सक्छौं फ्रॉम स्टेटमेंट 2 4 एंड 5 ओके अब यो स्टेटमेंट बाट हामीले हाफ कॉमन लियौं भने वी कैन राइट एंगल एपीसी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स अफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी